फ्रेंड्स, सो टुडे वी डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th मैथ्स। और टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो आवर क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है हेमी स्फीयर का, जिसकी डायमीटर हमें गिवन है। सो डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है, और इसके रेडियस अगर हम फाइंड करते हैं तो डायमीटर का आधा हो जाएगा, जो कि होगा 7/2, ये 33.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे 2/3। यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7, एंड आर जो हमारा गिवन है, तो 7/2 का क्यूब मतलब 28/7। तो हम इसे 3 बार लिख लेंगे। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। नाउ यार 2 से 22 कैंसिल तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर बनेगा 11 × 49, 11 × 49/6। तो हमारा ये आ जाएगा 539/6। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इसी क्वेश्चन में अब हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, तो ऑन मूविंग नेक्स्ट स्लाइड फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया का, जो कि होता है सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो 3 × 22/7, एंड रेडियस हमारे पास 7/2 है, तो इसका होल स्क्वायर। नाउ 3 × 22/7, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 × 7 अपॉन में 2 × 2। हाँ ऐसे 2 से 2 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 33 × 7, 33 × 7 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 231/2। तो यहाँ से हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकलेगा वो निकलेगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना था, तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर से फाइंड कर लिया, जो कि आया 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया हमारे यहाँ से निकल के आया 115.5 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।